हेलो स्टूडेंट्स we'll इस चैप्टर में हम लोग दो रेवल्यूशन को पढ़ेंगे पहला है अमेरिकन और दूसरा है फ्रेंच ठीक ही बात ये दोनों ही रेवोल्यूशन बहुत इम्पॉर्टेंट रिवोल्यूशन है जिन्होंने वर्ल्ड की हिस्ट्री को ड्रास्टिकली चेंज करके रख रेवल्यूशन इन अमेरिका एंड फ्रांस चलो लेट एटीन सेंचुरी में क्या हुआ बच्चा रिवोल्यूशन हुए कहाँ कहाँ पर अमेरिका में भी हुए और फ्रांस में भी हुए लेट एटीन सेंचुरी वो पीरियड है बच्चा जिसे हम अगर ईयर्स में लिखना चाहें तो सेवनटीन सेवेंटी से लिख सकते हैं एटीन हंड्रेड तक ठीक है बात तो लेट एटीन सेंचुरी वो पीरियड था जहाँ पर रिवोल्यूशन हुए कहाँ कहाँ पर हुआ अमेरिका और फ्रांस में जो अमेरिकन रेवोल्यूशन था वो सेवनटीन सेवेंटी फाइव से सेवनटीन एटी थ्री तक हुआ ये एक मोमेंटस हिस्टोरिकल माइल था अब यहाँ पर जो वर्ड है मोमेंटस इसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट अत्यंत महत्वपूर्ण ये एक हिस्टोरिकल माइल था ठीक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट माइल था हिस्ट्री का क्या अमेरिकन रेवोल्यूशन ठीक है बात जिसने लोगों को इंस्पायर किया दूसरी कंट्रीज़ के लोगों को भी इंस्पायर किया कि भाई अगर आप चाहो तो आप भी अपने कॉलोनियल मास्टर को ओवरथ्रो कर सकते हो है बात तो जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन था वो मोमेंटस हिस्टोरिकल माइल स्टोन क्यों था एक बहुत इंपॉर्टेंट माइल स्टोन क्यों था बेटा वो इसलिए था क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इन्होंने अपने लिए लड़ाई की पर एक प्रेरणा दे दी पूरी दुनिया को कि अगर आप चाहो तो आप भी अपने कॉलोनियल मास्टर को ओवरथ्रो कर सकते हो और यहीं से रास्ता बना डेमोक्रेसी के लिए सेल्फ गवर्नमेंट के लिए ठीक है बात चलो अब फ्रेंच रेवोल्यूशन जो चला 1789 नाइन से नाइनटी नाइन तक ये भी एक पाथ ब्रेकिंग हिस्टोरिकल लैंडमार्क था ठीक है इट वॉज पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक इन नेचर ये कैसा था इसमें पॉलिटिक्स में भी चेंजेस आए सोसाइटी में भी चेंजेस आए इकॉनमी में भी चेंजेस आए और इसने हेरीडेटरी किंग का जो रूल हुआ करता था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा भले ही वो कैपेबल हो या ना हो वो डेस्पोटिक रूलर बन जाएगा एज ही हैज़ कंप्लीट राइट टू बी द किंग ऑफ द कंट्री इसको भी रोक दिया ख़त्म कर दिया ठीक है बात तो पॉलिटिकल चेंजेस लेके आया सोशल चेंजेस लेके आया इकोनॉमिक चेंजेस लेके आया और सबसे बड़ा चेंज कि हेरिडेटरी मनार्की को खत्म कर दिया हेरिडेटरी किंग को खत्म कर दिया इसने स्ट्रेंथन किया मजबूती दी शक्ति दी कि इसको बेटा मिडिल क्लास को ठीक है और एक आशा की किरण बना पुअर और डाउन ट्रोडन लोगों के लिए बहुत ही शोषित वर्ग जो होता है जैसे हम डाउन ट्रोडन कहते हैं पुअर मतलब जो गरीब लोग थे सोसाइटी के उनको भी एक होप दी ठीक है कि अब अब भैया हर कंट्री में डेमोक्रेटिक आइडियाज़ आएंगे ठीक है और वो डेमोक्रेटिक आइडियाज़ वो डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट होगी वो लोगों के लिए काम करेगी लोगों की बात करेगी लोगों के लिए सोचेगी और फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन डेमोक्रेटिक आइडियाज एंड आइडियल्स लेके आए ठीक एक बात अब हम पहले देखते हैं अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को ही हम अमेरिकन रेवोल्यूशन भी कहते हैं ये पहला ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन था ठीक है देखो रिवोल्ट करना मैंने लड़ लिया आपने लड़ लिया वो एक अलग बात थी पर पूरी तरह प्लानिंग के साथ ऑर्गेनाइजेशन के साथ हुआ पहला पॉलिटिकल रिवोल्यूशन था अमेरिकन रिवोल्यूशन का अमेरिकन रिवोल्यूशन पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल रिवोल्यूशन था अमेरिकन रिवोल्यूशन इन विच पीपल अजर्टेड देयर राइट टू रूल देम सिर्फ जहाँ पर लोगों ने बात की कि भैया हमारे ऊपर कोई और रूल नहीं करेगा हम खुद अपने ऊपर रूल करेंगे थ्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इट लेड टू इससे क्या हुआ बच्चा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जन्म हुआ बर्थ हुआ द एंड ऑफ ऑटोक्रेटिक रूल ये जो ब्रिटिशर्स जो कॉलोनियल मास्टर थे जो ऑटोक्रेटिक रूल चलाते थे उसको खत्म किया अमेरिकन रिवोल्यूशन ने और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया एक ऐसी सरकार जो लोगों द्वारा चुनी जाएगी और वो लोगों के लिए ही काम करेगी कॉजेज ऑफ द अमेरिकन वॉर ऑफ़ इंडिपेंडेंस क्या किन कारणों से अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ वो 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 हम देखेंगे बच्चा जैसे ही न्यू वर्ल्ड की डिस्कवरी हुई मतलब किसके डिस्कवरी हुई द डिस्कवरी ऑफ अमेरिकन कॉन्टिनेंट जैसे ही पता चला कि इतने बड़े बड़े कॉन्टिनेंट अभी और भी हैं जैसे ही इन्हें ढूंढा गया बहुत सारे यूरोपियन सेटलमेंट परमानेंटली वहाँ पर बना दिए गए अकेले थर्टीन कॉलोनीज तो एटीन सेंचुरी में किसकी थी ब्रिटेन की ही थी ठीक है बस तो भाई फिर से देखो जब डिस्कवरी हो गई अमेरिकन कॉन्टिनेंट की एक न्यू वर्ल्ड की तो बहुत सारे यूरोपियन सेटलमेंट्स वहाँ परमानेंटली बन गए कब सिक्सटीन सेंचुरी में और इसमें से जो मेजर थर्टीन कॉलोनीज थी वो तो किसके पास थी ब्रिटिश के पास थी कब एटीन सेंचुरी में ठीक है बात और ये जो थर्टीन कॉलोनीज थी ये कहाँ थी जैसे अगर मैं बात करूँ ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है तो नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पे ये थर्टीन कॉलोनीज थी जो किसके कंट्रोल में थी ब्रिटिश कंट्रोल में थी ठीक है बात चलो नाउ रिजिड कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक पॉलिसीज ठीक है अब जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी थर्टीन कॉलोनीज की उसके ऊपर रिजिड एक टाइट कंट्रोल था किसका ब्रिटिश का ये जितनी भी कॉलोनीज थी वो कंट्रोल में थी किसके ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी जैसे इंडिया भी ब्रिटिश कॉलोनी था तो उस टाइम में हमारे लिए भी सारी प्लानिंग कौन करता था ब्रिटिशर्स वैसे ही अमेरिका में भी था अच्छा जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने लिबर्टी दे रखी थी कि आपके जो लोकल अफेयर्स हैं वो आप अपने आप मैनेज कर लो पर इकॉनमिक पॉलिसीज़ हम ही बनाएंगे पूरी इकॉनॉमिक पॉलिसीज पे एक टाइट कंट्रोल था किसका ब्रिटिशर्स का अमेरिका में भी उन्होंने बोल दिया ठीक है जो थर्टीन कॉलोनीज ने बोल दिया जो तुम्हारे लोकल अफेयर्स है वो तुम तो मैनेज कर लो पर इकोनॉमिक पॉलिसीज हम ही चलाएंगे हम ही बताएंगे हम ही बनाएंगे जो गवर्नमेंट थी इंग्लैंड की उसका बिलीव था कि जो कॉलोनीज़ हैं वो तो एग्जिस्ट ही इसलिए करती हैं कि उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जा सके ठीक है मदर कंट्री को बेनिफिट देने के लिए ही कॉलोनी एग्जिस्ट करती है अगर यूएसए की थर्टीन कॉलोनीज़ के ऊपर मेरा कंट्रोल है यूएसए तो था ही नहीं था मतलब अमेरिका की थर्टीन कॉलोनीज पर अगर मेरा कंट्रोल है तो थर्टीन कॉलोनीज़ में जो लोग रह रहे हैं उनका ये कर्तव्य है कि वो किसको बेनिफिट करें मदर कंट्री मतलब इंग्लैंड को बेनिफिट दें दिस वॉज ग्रेटली रिसेंटेड बाई द कॉलोनिस्ट हुर इंडिपेंडेंट माइंडेड ब्रिटिशर्स अब ये जो पॉलिसी थी कि तुम्हारे लिए इकोनॉमिक पॉलिसी हम बनाएंगे और तुम्हारा तो काम ही है कि मदर कंट्री को बेनिफिट दो इससे बहुत सारे कॉलोनिस्ट जो कि इंडिपेंडेंट माइंडेड ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने अपना घर बार छोड़कर कर कहाँ शिफ्ट हो गए थे यूएसए में उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी मेरी एक बात सुनो जो थर्टीन कॉलोनीज थी इसमें बसे हुए कौन ही थे यूरोपियन और यूरोप में से भी कौन इंग्लिश ठीक है ब्रिटिश देखो हमने देखा कि सिक्सटीन सेंचुरी तक यूरोपियन परमानेंट सेटलमेंट बन चुके थे कहाँ पर अमेरिकन कॉन्टिनेंट में तो जब यहाँ पे आके इंग्लैंड के ही लोग रह रहे हैं और दूसरे भी यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग थे पर बेसिकली थर्टीन कॉलोनीज़ में इंग्लैंड के लोग रह रहे हैं तो अब इंग्लैंड के जो लोग हैं जो इंडिपेंडेंट माइंडेड हैं वो सोच रहे हैं कि हमने तो हमारा घर बार छोड़ दिया अब हम यहाँ आके रह रहे हैं तो हमारे ऊपर आप रूल क्यों कर रहे हो भाई हम अपनी पॉलिसीज़ प्लानिंग खुद कर सकते हैं समझ में आ गई बात बच्चा एक नया ही इंग्लैंड बन गया था थर्टीन कॉलोनीज़ में क्योंकि जो लोग थे थर्टीन कॉलोनीज में रहने वाले ये कहाँ से आए थे इंग्लैंड से आए थे चलो बात की बात हम बाद में करेंगे पहले ये पेंटिंग देखें ये पेंटिंग डेपिक करती है दिखाती है कि अर्ली ब्रिटिश सेटलर्स कैसे यहाँ पर आए थे इन्हें पिलग्रिम फादर्स कहा जाता है जो ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका पे आए और धीरे धीरे करके वहीं रहने लगे तो ये जो अपना घर बार छोड़ के अपने बच्चों के साथ यहाँ आ गए थे अब ये लोग बोल रहे थे कि अब आप हमारे ऊपर क्यों रूल कर रहे हो इसको तो पूरा बसाया यहाँ पर काम करना हमने शुरू किया तो हम इंडिपेंडेंट हैं हम अपना काम कर लेंगे आप क्यों हमारे लिए रूल्स रेगुलेशन बना रहे हो ये लोग कुछ गलत तो नहीं कह रहे थे अब इनका कहना था अब तो हम इंग्लैंड छोड़ चुके हैं और न्यू वर्ल्ड में आके रहने लग गए हैं इन सर्च ऑफ फ्रीडम एंड बेटर लाइफ वाई दिस पीपल केम देयर फॉर हैविंग अ बेटर लाइफ फॉर फ्रीडम देखो इंग्लैंड छोड़ दिया हमने इंग्लैंड छोड़ दिया क्यों क्योंकि हमें बेटर लाइफ चाहिए थी हमें फ्रीडम चाहिए थी इसलिए हम न्यू वर्ल्ड में आके रहने लग गए अब मिड एटीन सेंचुरी मिड एटीन सेंचुरी मतलब सेवनटीन फिफ्टीज सेवनटीन सिक्सटीज तक का जो टाइम था इस टाइम तक ये जो थर्टीन कॉलोनीज थी ये बहुत डेवलप हो चुकी थी बहुत प्रॉस्पर हो चुकी थी एक जो एरिया जैसे हम साउथ कहें वहाँ पर एग्रीकल्चरल सेटलमेंट की बदौलत ये बहुत पैसा कमा चुकी थी वहीं पर स्मॉल पर एक बहुत फ्लरिशिंग इंडस्ट्रियल सेंटर था कहाँ पर नॉर्थ में एंड अ थ्राइविंग ओवरसीज ट्रेड नॉर्थ में क्या था बच्चा इंडस्ट्रीज़ थी ओवरसीज ट्रेड हो रहा था और साउथ में एग्रीकल्चरल सेटलमेंट थे तो एग्रीकल्चर भी ग्रोथ पे है ओवरसीज ट्रेड भी हो रहा है इंडस्ट्रीज भी डेवलप कर रही हैं और इन सब की हेल्प से बहुत ही ज़्यादा डेवलप और प्रॉस्पर होने लगी थी मिड एटीन सेंचुरी में ये थर्टीन कॉलोनीस अनजस्ट एंड एक्सप्लॉयटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन चलो अब ये जितनी भी कॉलोनीज बेटा ईच कॉलोनी हार्ड इट्स ओन असेंबली हर कॉलोनी थर्टीन कॉलोनीज थी तो थर्टीन कॉलोनीज की अपनी असेंबली थी जिसमें जो लोग होते थे आ, मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे वो चुनते थे कौन कॉलोनी के लोग ही ठीक हुई बात ईच कॉलोनी हेरिट्स असेंबली हर कॉलोनी की अपनी असेंबली थी इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ़ द कॉलोनी कॉलोनी में रहने वाले लोग उसको इलेक्ट करते थे पर उसमें गवर्नर को अपॉइंट करने का काम किसका था ब्रिटिश गवर्नमेंट का था ठीक है बात गवर्नर ऑफ द कॉलोनी अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट और जो इलेक्टेड असम्बली होती थी उसमें कॉलोनी के लोग पार्टिसिपेट करके रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते थे जो गवर्नर था वो आंसरेबल नहीं था असम्बली के लिए गवर्नर जिसको ब्रिटिश ने अपॉइंट किया था ये कभी भी असेंबली के लिए आंसरेबल नहीं था ही गवर्न द कॉलोनी इन द इंटरेस्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और ये कॉलोनी को उसी तरीके से चलाता था जिससे मैक्सिमम बेनिफिट किसको मिल पाए ग्रेट ब्रिटेन को मिल पाए मदर कंट्री को मिल पाए इंग्लैंड के फायदे के बारे में ब्रिटेन के फ़ायदे के बारे में सोचता था ये गवर्नर क्योंकि इसको अपॉइंट ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया था कॉलोनिस्ट के लिए कुछ भी नहीं सोचता था इससे एक रिसेंटमेंट का भाव आ गया एक फीलिंग आ गई कि इसके मन में अमेरिकन सेटलर्स के मन में जो बिल्कुल हार्ड वर्क करके अपना प्रॉफिट अर्न कर रहे थे उस पर्टिकुलर एरिया को डेवलप कर रहे थे उनके मन में बहुत ही एक ऐसा फीलिंग आने लगी कि भाई यार इतनी मेहनत का क्या फ़ायदा जब सारा फ़ायदा किसको मिलना है ब्रिटेन को बेटा ये जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है नाराजगी रोश गुस्सा तो जो अमेरिकन सेक्टल थे वो गुस्सा उन्हें लगते हैं कि भैया हार्ड वर्क करें हम और इस हार्ड वर्क के फ्रूट को एंजॉय करें खान ब्रिटिशर्स ये तो गलत बात है फिर से देखो ये जो बात थी कि आप मदर कंट्री के बेनिफिट के लिए सब कुछ कर रहे थे गवर्नर की जो ये बात थी इससे बहुत गुस्सा थे अमेरिकन सेटलर्स हु वर्कड वेरी हार्ड बट कुर लेबर कॉम बहुत मेहनत से कर रहे हैं पर अपनी ही मेहनत का फल खुद ले नहीं पा रहे हैं उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे क्यों नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑल द फ्रूट ऑल दिफिट्स एडवांटेज गिविन टू होम ब्रिटिशर्स ब्रिटिशर्स सारे एडवांटेज ले रहे थे यहाँ से हैवी टैक्सेशन एंड एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस कॉमर्स हैवी टैक्सेशन मतलब टैक्स ज्यादा लगा दिया गया और बिजनेस और कॉमर्स पे रोक लगा दी गई रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है रोक लगा देना टैक्सेशन मतलब कर लगा देना मतलब टैक्स समझते हो ना आप लोग जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो बहुत हैवी टैक्सेस कलेक्ट करती थी किस से अमेरिकन सेटलर्स से ठीक है बात फ्रॉम देम एंड इम्पोज मेनी रिस्ट्रिक्शन ऑन देयर बिजनेस एंड कॉमर्स आप ये नहीं कर सकते आप ये बिजनेस नहीं कर सकते आप इस तरीके से डील नहीं कर सकते इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगा देती थी वो अमेरिकन सेटलर्स के ऊपर और उनसे बहुत हैवी टैक्स कलेक्ट करती थी कौन करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते थे ये कॉलोनीस की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हैम्पर कर रहे थे रोक रहे थे ठीक है बात जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो बहुत हैवी टैक्सेस कलेक्ट कर रही थी किस अमेरिकन कॉलोनीज से और उनकी बिजनेस और कॉमर्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रही थी ये जो रोक लगाई जा रही थी बिजनेस पे कॉमर्स पे वाणिज्य पे व्यापार पे इससे हैम्पर हो रही थी रुक रही थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसकी कॉलोनीज का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं हो पा रहा था तो बेटा ये है नॉर्थ अमेरिका का ईस्ट और ये रही थी थर्टीन कॉलोनीज ये थर्टीन कॉलोनीज है जॉर्जिया साउथ कैरोलिना नॉर्थ कैरोलिना वर्जीनिया पेंसिल्वेनिया न्यूयॉर्क न्यू हेम्पायर ये ठीक है बात कुछ के नाम मैंने नहीं लिए तो देखो देखते हैं साउथ कैरोलिना नॉर्थ कैरोलिना वर्जीनिया मैरीलैंड डेलावे न्यू जर्सी फिलीडल्फिया कनेक्टिकट रोड आइलैंड मैसीच्स बॉस्टन बॉस्टन मैसीच्स में एक जगह है फिलिडेल्फिया भी एक जगह है ठीक है कॉलोनीस का नाम नहीं है पर इन प्लेसेस को याद रखना मैप में पूछा जा सकता है क्योंकि बॉस्टन टी पार्टी एक मेजर इवेंट होगा फिलाडेल्फिया में भी एक इवेंट होगा ठीक है बात कॉलोनी इसके नाम मैम पूछे तो क्या लिखोगे न्यू हेम्सायर मैसेश्यूट रोड आइलैंड कनेक्टिकट पेंसिल्वेनिया न्यूयॉर्क न्यू जर्सी डेलावेयर मैरीलैंड वर्जीनिया न्यू कैरोलिना साउथ कैरोलिना जॉर्जिया नाउ सोशल एंड कल्चरल डिफरेंसेस भी और कल्चरली भी जो अमेरिकन कॉलोनिस्ट थे वो ब्रिटिश से थोड़े से डिफरेंट थे जो कॉलोनिस्ट थे वो सिंपल और लिबरल रहना पसंद करते थे अनलाइक द ब्रिटिश प्यूरिशन तो बेटा ये सिंपल और लिबरल रहना पसंद करते थे ब्रिटिश प्यूरिटन्स की तरह रिजिड और कंजर्वेटिव नहीं अमेरिकन में जो लोग आके बस गए थे उनका एक बहुत बड़ा कारण था कि वो अपने आप को रिलीजसली फ्री करना चाहते थे थोड़ा सा लिबरल तरीके से रहना चाहते थे इसलिए ये ब्रिटेन को छोड़ के नॉर्थ अमेरिका मतलब थर्टीन कॉलोनीज में आकर रहने लग गए थे तो अगर हम सोशली और कल्चरली भी बात करें तो जो अमेरिकन कॉलोनीस थे वो बहुत अलग थे ब्रिटिश से जो कॉलोनीज थे वो सिंपल थे लिबरल थे नॉट लाइक और अनलाइक द ब्रिटिश प्योरिटन्स जो रिजिड थे कन्जरवेटिवस थे ओवर द ईयर जैसे ऐसे साल बीतते गए जो कॉलोनिस्ट थे उन्होंने एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी को बना लिया फॉर देयर ओन एंड अमेरिकन आइडेंटिटी और उस आइडेंटिटी का नाम क्या पढ़ा बेटा अमेरिकन आइडेंटिटी दट इंस्पायर फॉर फ्रीडम जो फ्रीडम के लिए इस्पायर करती थी लोगों को टू ग्रो एंड डेवलप एज अ सेपरेट इंडिपेंडेंट नेशन जो फ्रीडम की बात करती थी जो ग्रोथ की बात करती थी डेवलपमेंट की बात करती थी और एक ऐसा नेशन बनाना चाहती थी जो कि सेपरेट हो अलग हो जिसके ऊपर कोई आउटर इन्फ्लुएंस नहीं हो इंडिपेंडेंट नेशन की बात करते थे ठीक हुई बात तो ये रिजट भी नहीं थे कंजर्वेटिव भी नहीं थे किस तरह प्यूरिटेंस ब्रिटिश प्यूरिटेंस की तरह जो बहुत रिजिड और कंजर्वेटिव हैं ओवर द ईयर जो कॉलोनिस्ट थे उन्होंने एक अलग ही आइडेंटिटी बना ली खुद की अपनी जिसे हम अमेरिकन आइडेंटिटी कहते हैं दैट एस्पायर्ड फॉर फ्रीडम जो फ्रीडम की बात करती है टू ग्रो एंड डेवलप ग्रोथ की बात करती है डेवलपमेंट की बात करती है एज अ सेपरेट इंडिपेंडेंट नेशन दैन नो पार्लियामेंट इन ब्रिटिश नो रिप्रेजेंटेशन इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट अब हम देखेंगे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये जो थर्टीन कॉलोनीज है इनका रिप्रेजेंटेशन था या नहीं था तो नो लिखा है मतलब नहीं होगा नो रिप्रेजेंटेशन इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट एज अ मदर कंट्री ब्रिटिश एक्सपेक्टेड क्योंकि ब्रिटिश एक मदर कंट्री था तो वो सिर्फ ओबीडियंस एक्सपेक्ट करता था जो थर्टीन कॉलोनीज थी इनसे क्या एक्सपेक्टेशन थी ब्रिटिश की ओबीडियंस की मैटर्स टू आड स्ट डिमांडेड द राइट टू है अब मैटर्स तक तो थोड़े से खराब होने लगे उलझने लगे जब जो कॉलोनिस्ट थे वो बोलने लगे कि भैया वो मैटर्स जो हमें अफेक्ट कर रहे हैं उसमें तो हमें बोलने का राइट right टू तो जो कॉलोनिस्ट थे उन्होंने आर्ग्यू करना स्टार्ट किया कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसको कोई राइट right नहीं है कि वो हमारे ऊपर टैक्स कॉलोनिस्ट ने आर्ग्यू किया पार्लियामेंट कि no right, no right तो right no क्यों नहीं लगा सकते क्योंकि तुम्हारे ब्रिटिश पार्लियामेंट में हमारा तो कोई रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं तो तुम किस हक से हमारे ऊपर टैक्स लगाते हो फिर से देखो मैटेस थोड़ी सी उलझ जाते जब कॉलोनिस्ट डिमांड करते कि हमें राइट टू से चाहिए उन मैटर्स में जो हमें इफेक्ट कर रहे हैं जो कॉलोनिस्ट थे उनका आर्ग्यूमेंट था कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसके पास कोई राइट नहीं है कि वो हमारे पर टैक्स लगाए राइट टू तो टैक्स द कॉलोनिस्ट सिंस दे हैव नो रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट क्योंकि हमारा तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है ना कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है तो आप हमारे ऊपर क्यों टैक्स लगा रहे हो तो इन्होंने कहा कॉलोनिस्ट ने कहा जो कॉलोनी में रहने वाले इंडिपेंडेंट अमेरिकन सेटलर्स थे जो पहले इंग्लैंड से आए थे उन्होंने कहा नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन जब तक हम टैक्स नहीं देंगे जब तक आप हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं देते नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन ठीक हुई बात क्या नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन या तो हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन दे दो तो हम हमारी बात रख पाए और नहीं तो हमसे टैक्स की भी आशा नहीं करो बिकेम द क्लियर कॉल अ क्लियर मैसेज टू द कॉलोनिस्ट और ये क्लियर मैसेज दे दिया उन्होंने और अब ये क्लियर कट कॉल हो गया किसके लिए कॉलोनिस्ट के लिए कि या तो हमें रिप्रेजेंटेशन दे दो या हमसे टैक्स मत लो इनफ्लुएंस ऑफ यूरोपियन फिलासफर्स जो अमेरिकन रिवोल्यूशनरी थे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे इन्फ्लुएंस्ड मतलब प्रभावित प्रभावित थे कि से द आइडिया ऑफ यूरोपियन फिलासफर्स यूरोपियन जो फिलासफर्स थे उनके आइडियाज से अमेरिकन रिवोल्यूशनरी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे जैसे लॉक वोल्टायर रूसो लॉक जॉन लॉक वोल्टायर और जिंगजैक रूसो ये वो व्यक्ति थे जो बड़े फिलोसोफर थे जिन्होंने इंस्पायर किया लोगों को कि भैया उठो और लिबर्टी के लिए फाइट करो तो बेटा लॉक ने वोल्टाइन ने रूसो ने प्रेरित किया इंस्पायर करना मतलब प्रेरित किया किसको प्रेरित किया रिवोल्यूशनरीज इसको प्रेरित किया ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रेंच में भी यही ये फिलोस्फर काम करेंगे अमेरिका में भी यही फ़िलासफ़र काम करें ये खुद जाके कोई काम नहीं कर रहे बेटा कि कोई झाड़ू लगा रहे हैं या पोछा लगा रहे हैं या कुछ रेवोल्यूशन कर रहे हैं ये तो सिर्फ बुक लिखते थे अपनी बातें कहते थे ये जो बातें कहते थे ये लोगों को प्रभावित करती थी और लोग लिबर्टी के लिए फ़ाइट करने को रेडी हो जाते थे इंस्पायर का मतलब होता है प्रेरित करना इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित करना डिमांड फॉर टोटल फ्रीडम जो डिमांड थी रिप्रेजेंटेशन की ब्रिटिश पार्लियामेंट में गेव अवे टू डिमांड फॉर टोटल फ्रीडम रिप्रेजेंटेशन की बात तो शुरुआती दौर में हमने की पर जब हम रिप्रेजेंटेशन की बात करने लगे ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसी से डिमांड चालू हुई कि अब हमें टोटल फ्रीडम चाहिए किस से ब्रिटिश रूल से अब हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनना चाहते हैं जो इंटरनल मैटर्स में भी खुद ही डील करेगी एक्सटर्नल मैटर्स में भी खुद ही डील करेगी पोलिटिकल इकोनॉमिक डिसीजन भी खुद ही लेगी तो सोसाइटी और कल्चर कैसा होगा वो भी खुद ही डिसाइड करेगी अब ऐसा चाहते थे अमेरिकन मतलब वो लोग जो कॉलोनिस्ट थे जो ब्रिटिशर्स के अत्याचार को सह रहे थे द right sovereign अथॉरिटी सोवरेन मतलब विदाउट एनी फॉरेन इन्फ्लुएंस विदाउट एनी एक्सटर्नल कंट्रोल तो अब ये लोग चाहते थे कि हमें राइट right मिल जाए हमें हमारी खुद की सोवरेन अथॉरिटी मिल जाए हम अपने डिसीजन खुद लें एंड argued दैट द राइट टू गवर्न शुड be बेस्ड ऑन कंसेंट ऑफ द गवर्न और जो भी कोई सरकार बने वो कंसेंट से बनी फिर से ध्यान रखना आर्ग्यू डेट द राइट टू गवर्न हमें गवर्न करने का राइट उसी के पास हो जो कंसेंट रखता हो जिससे हम इत्तेफाक रखते हो कि भैया आप हमें गवर्न करो ठीक है बात जैसे आज इंडिया में बीजेपी की गवर्नमेंट है तो उसको किसने चुना है हम लोगों ने चुना है ना कल हमें आप बीजेपी का कहाँ पसंद नहीं आएगा हम कांग्रेस को वोट देखिए कांग्रेस को चुन लेंगे तो जो भी हमें गवर्न करेगा वो हमारी कंसेंट से करेगा ठीक है बात हम उसे चुनेंगे तो यहाँ पर वही है इन्होंने आर्ग्यू किया दैट राइट टू गवर्न शुड बी बेस्ड ऑन कंसेंट ऑफ द गवर्न गवर्न जिन लोगों को गवर्न किया जाएगा उनकी कंसेंट होना बहुत जरूरी है द अनजस्ट ऑपरेसिव एंड एक्सप्लॉयटेटिव शोषण करने वाली परेशान करने वाली जो अनजस्ट है मतलब जो जस्ट नहीं है मतलब जो अनफेवरेबल है क्या बोलेंगे इसको तो अनजस्ट का मीनिंग होता है अनुचित ऑपरेसिव का मतलब होता है अत्याचारी एक्सप्लॉयटेटिव मतलब शोषण करने वाली एक्सप्लॉयटेटिव शोषण करने वाली ऑपरेसिव अत्याचारी अनजस्ट अनुचित ये जो चीजें थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट कंटिन्यू कर रही थी हार्ड फॉर फीटेड फोर फीटेड मतलब छीन लेना इट्स राइट टू गवर्न द अमेरिकन कॉलोनिस्ट ये जो अनजस्ट प्रैक्टिस ऑपरेट सिर्फ प्रैक्टिस एक्सप्लोटेटिव प्रैक्टिस ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज कर रही थी इसने छीन लिया था वो राइट right कि भैया अब तुम अमेरिकन को गवर्न नहीं कर पाओगे और तुम्हें अब हम उखाड़ के फेंक देंगे अगर ये लोग प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देते हैं अमेरिकन की भी बातों को सुनते तो हो सकता है कि इन्हें थ्रू नहीं किया जा सकता नहीं किया जाता पर ये जो अनजस्ट अप्रेसिव और एक्सप्लाइटेटिव ब्रिटिश गवर्नमेंट की प्रैक्टिस थी इससे उन्होंने इस इस ही वजह से उनका जो हक था कि अमेरिकन कॉलोनिस्ट को गवर्न करने का वो छीन लिया गया और देर फोर भी ओवर थ्रोन उन्होंने उखाड़ कर बाहर फेंक दिया गया ओवर थ्रोन मतलब उखाड़ के फेंकते ना नाउ द बॉस्टन टी पार्टी ये एक इवेंट है बच्चा ये मेजर इवेंट है अभी बॉस्टन मैंने मैप में दिखाया था ना कि बॉस्टन प्लॉट करने को आ सकता है क्योंकि वहां पर एक मेजर इवेंट हुआ ये जो कॉन्फ्लिक्ट था ये धीरे से ओपन रिवोल्ट में कन्वर्ट हो गया जो छोटे 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 झगड़े थे अभी ओपन रिवोल्ट विद्रोह में कन्वर्ट हो जाएंगे द रिवोल्ट नोन एज अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और इसी रिवोल्ट का नाम होगा अमेरिकन वॉर ऑफ़ इंडिपेंडेंस वॉज ए स्पार्कड ऑफ बाय एन इंसिडेंट और चिंगारी लगी चिंगारी मतलब स्पार्क ऑफ मतलब चिंगारी लग गई किस इंसिडेंट से अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की जो चिंगारी थी वो लगी किससे बॉस्टन टी पार्टी ठीक है बात फिर से देखो जो कॉन्फ्लिक्ट था वो ओपन रिवोल्ट में कन्वर्ट हो गया कॉलोनीज में ओपन रिवोल्ट होने लगा ये जो रिवोल्ट था इसे बोलते हैं अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और इसकी चिंगारी कहाँ से लगी एक इंसिडेंट वो इंसिडेंट कहाँ कौन सा इंसिडेंट था बॉस्टन टी पार्टी सेवनटीन सेवनटी थ्री में क्या हुआ एक ग्रुप था कॉलोनिस्ट का उसने डिस्गाइज किया मतलब भेज बदल लिया एज अ नेटिव अमेरिकन वो क्या बन गए नेटिव अमेरिकन बन गए फिर से सुनना एक ग्रुप था कॉलोनिस्ट का जो ब्रिटिश से आके जो इंग्लैंड से आके जो ब्रिटिशर्स ब्रिटिश से आके जो ब्रिटिशर्स रहने लग गए थे कहाँ पर अमेरिका में उन्होंने अपना भेज बदला अपने आपको डिस्गाइज किया भेज बदल लिया ठीक है भेज बदलने के बाद उन्होंने किसका भेज रखा नेटिव अमेरिकन का भेज रखा और रेड की मतलब लूट लिया कि उसको ब्रिटिश शिप्स को कहाँ पर बॉस्टन हार्बर पे बॉस्टन मैंने दिखाया था ना आपको बेटा ये देखो ये कौन सा ओशन है ये अटलांटिक ओशन है ठीक है तो ये अटलांटिक है बॉस्टन मतलब यहां पर जो हार्बर था जो बंदरगाह बंदरगाह हार्बर या तो पोर्ट समझ लो आप लोग ये वो जगह होती है जहां शिप्स आती हैं रुकती हैं जहां से हम सामान लेते हैं और मतलब अनलोड करते हैं लोड करते हैं तो बॉस्टन हार्बर पे लूट लिया ब्रिटिश शिप्स को एंड थ्री थ्री फोर्टी क्रेट्स ऑफ टी इंटू सी ठीक है लूटपाट मचाई तो मचाई और जो तीन सौ चालीस ग्रेड मतलब बड़े बड़े बॉक्सेस थे जिनके अंदर चाय थी चाय मतलब टी टी थी उसे सी में थ्रो कर दिया गया फेंक दिया गया ठीक है बात दिस इंसिडेंट वॉज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट न्यू टैक्सेस और ये इंसिडेंट क्यों क्यूं हुआ बॉस्टन टी पार्टी क्यों हुआ क्योंकि लोग प्रोटेस्ट करना चाहते थे अगेंस्ट द न्यू टैक्सेस न्यू टैक्सेस के अगेंस्ट में लोग क्या कर रहे थे प्रोटेस्ट कर रहे थे ठीक है बात तीन सौ चालीस क्रेट्स जो बॉक्सेस थे टी के उन्हें शिप कहाँ फेंक दिया गया सी में फेंक दिया गया और ये इन्होंने क्यों किया क्योंकि ये न्यू टैक्सेस के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट की तरह था ये इंसिडेंट ठीक हुई बात इंक्लूडिंग अ टैक्स ऑन टी और टी के ऊपर भी टैक्स लग रहा था इसलिए वो चाय के क्रेट्स उन्होंने उठा के नीचे फेंक दिए जो कौन लगा रहे थे इंपोज ऑन द कॉलोनीज कॉलोनीज के ऊपर लगाए जा रहे थे लगाने वाला कौन था अभी था ब्रिटिश ही था ब्रिटिश जब चाय जब टैक्स इंक्रीज कर दिया जाता था कभी भी नए टैक्सेस लगा देता था, था. और इसी में इंक्लूडेड था टैक्स ऑन टी तो कॉलोनियल कॉलोनिस्ट ने परेशान हो के जो टैक्स पे लग रहा था उसे परेशान के इस इंसिडेंट को अंजाम दिया खुली चुनौती खुला विद्रोह था ओपन डिफाइंस था डिफाइंस का मीनिंग एग्जैक्ट होता है अवज्ञा आज्ञा ना मानना तो बॉस्टन टी पार्टी एक एक्ट की तरह देखा गया जहाँ पर कॉलोनिस्ट ने ओपनली मना कर दिया कि अब हम तुम्हारी कोई बात नहीं मानेंगे हम तुम्हारी आज्ञा नहीं मानेंगे अवज्ञा करेंगे ठीक है ब्रिटिश अथॉरिटी के अगेंस्ट में ओपन डिफेंस था पोस्टन डिपार्टी इवेंट ये वो पेंटिंग है बेटा जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि कैसे जो नेता ब्रिटिशर्स uh, थे उन्होंने अमेरिकन नेटिव्स का भेष बदला जो कॉलोनी में आके रह रहे थे मतलब थे कॉलोनी थी पर uh, अपना रूप बदल के कहाँ पहुँचे बॉस्टन टी पार्टी मतलब जो बॉस्टन हार्बर था वहाँ पहुँचे और इस तरीके से चाय के क्रेट्स उठा उठा के कहाँ फेंकने लगे ओशन में फेंकने लगे पेंटिंग शोइंग द बोस्टन टी पार्टी इंसिडेंट ठीक है बात सो स्टूडेंट आई मीन दिस वीडियो हेयर ओनली फिफ एनी डाउट एनी प्रॉब्लम टू राइट इन कॉमेंट सेक्शन पार्ट टू में हम स्टार्ट करेंगे द बिगनिंग ऑफ वॉर